मैं पहुंचा हूं अब मदरसा फैजुल उलूम खड्डे वाली मस्जिद पर, जहां पर कुछ बच्चे इस वक्त पढ़ाई में लीन है, तल्लीन है। मदरसों में लोग कहते हैं कि बच्चों को बहुत कट्टर बना देते हैं, किसी दूसरे धर्म के बारे में बहुत गलत गलत सिखाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं है तो कैसा है? सब के लिए अच्छी बातें बताते हैं। अच्छी बातें बताते हैं, जैसे मैं अगर खुलकर पूछूं, हिंदुओं के लिए क्या बताते हैं? हिंदू के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताते, अपने लिए बताते हैं, मुसलमानों के लिए गलत नहीं बोलते हैं। जिस मदरसे में हैं हम, इस मदरसे में केवल लड़के नहीं बल्कि लड़कियों की पढ़ाई भी होती है, और यहाँ पर देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर आई हुई हैं मदरसे में तालीम हासिल करने। इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज रिदा रहमान। योर नेम इज रिदा रहमान, व्हाट डू यू स्टडी हियर? माय नेम इज रिदा रहमान। योर नेम इज रिदा रहमान, क्या करते हो आप मदरसे में, क्या पढ़ते हो? दीनी तालीम। दीनी तालीम, और स्कूल भी जाते हो आप? थर्ड क्लास में हो। किस स्कूल जाते हो आप? MCD। MCD। कितने साल के हो आप, क्या उम्र है आपकी? 8। तो ये बताओ, आप स्कूल भी जाते हो और फिर मदरसा भी आते हो, ऐसा क्यों? मन करता है या मम्मी पापा बोलते हैं? मन करता है। अच्छा लगता है यहाँ पे आना? यहाँ क्या पढ़ाते हैं? दीनी तालीम में क्या पढ़ाते हैं? नबी के नाम, नबी की पैदाइश और नबी के वालिद माजिद की उम्र, ये सब। अच्छा, तो फिर यहाँ कितने दिन से आ रहे हो? 1 साल। और स्कूल में क्या पढ़ते हो? हिंदी और इंग्लिश। किस क्लास में? थर्ड क्लास में। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं तो बनना चाहती हूँ टीचर। टीचर मदरसे में या स्कूल में? मदरसे में। क्यों? अच्छा लगता है बच्चे को पढ़ाना। अच्छा लगता है तो बच्चे को तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। क्या पढ़ना पसंद है? उर्दू। कुछ पढ़ के बताओ हमें। हिफ्ज़े सूरा, कुरान करीम की किसी भी सूरा को याद करने को हिफ्ज़े सूरा कहते हैं। ताबुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनश्शिरातल मुस्तकीम, शिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब जो आपने पढ़ा इसका मुझे हिंदी में तर्जुमा बताओ, क्या है इसका मतलब? क्योंकि अभी ये जो है अव्वल क्लास है, और ये छोटे बच्चों की जैसे कि प्राइमरी क्लासेस होती हैं, तो ये जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं पंजुम के बाद, ये अरबी ग्रामर सीखते हैं, तब तर्जुमा बताया जाता है। या फिर कुछ बच्चे जैसे शौकीन होते हैं दीनियात सीखने के, या इस्लाम से मुतालिक उनके दिल में जज्बा होता है कि हम इसका तर्जुमा याद करें, हम इसका मतलब याद करें, तो वो कर सकते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि मदरसे में दीनी तालीम जो दी जाती है उससे बच्चे, मुस्लिम बच्चे कट्टर हो जाते हैं, हिंदू धर्म या दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सीखने लगते हैं। देखिए, हमारा इस्लाम इतना बस जो मज़हब को हमारे समझ गया वो ये बात कर ही नहीं सकता। ये मज़हब तो इतना अच्छा और इतना पाकीज़ा है कि जिसने इस मज़हब को सीख लिया, समझ लिया, असल में हमसे कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर हम कुरान करीम का तर्जुमा हमें मालूम हो कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है ना, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को जानें, समझें, तो कोई भी शख्स, मैं कहती हूँ मुसलमान क्या, कोई भी गैर मुस्लिम भी अगर हमारे मज़हब को का मुताला करता है तो वो ये कह ही नहीं सकता कि हम किसी, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि किसी भी इंसान का झूठा भी पाक है, ये तो हम अपने दिल से नफरत ही करने लगते हैं। स्कूल में जाते हैं तो बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म, तो मदरसे की भी क्या ये यूनिफॉर्म है कि यहाँ जो बच्चे आएंगे वो कुर्ते, लड़के मतलब जो बच्चे आएंगे वो लड़के जो आएंगे वो कुर्ता पैजामा और टोपी में आएंगे, और जो बच्चियाँ आएंगी ये हिजाब में और बुरखे में आएंगी? जी, इसकी वजह यह है कि हमारा जो मजहब है वो ये सिखाता है, वो ये बतलाता है कि हमारा एक लिबास होना चाहिए, हम जो है अंधी तकलीर नहीं करना चाहते। आप देख रहे हैं कि चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम लड़की हो, वो अगर बेपर्दा फिरेगी, आधा आधा जिस्म अपना दिखाएगी, तो हम लोगों की नज़रें उस पर गलत पड़ती हैं। तो इस्लाम जो है उसने जो है औरत को जो है कीमती चीज़ बताया। अब जो कीमती चीज़ होती है तो उसको तो छुपा कर ही रखा जाता है ना।
अब लड़कियां तो कहती है माय लाइफ माय चॉइस, मेरी उनकी सोच है, क्योंकि उन्होंने दीन सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उसको हम क्या कह सकते हैं। जिसने सीख लिया, मैं कह रही हूँ ना, वो तो पर्दा किए बगैर उसे चैन ही नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सानिया मिर्जा का उदाहरण देते हैं, वो मुस्लिम है लेकिन वो टेनिस खेलती है, वो ड्रेस में करते हैं, तो यही बात कह रहे हैं। अब सानिया मिर्जा को मैं क्या जानूँ, वो उनकी चॉइस है, उनका दिल है, जो पूरा पूरा पक्का पक्का ईमान वाला हो जाता है वो तो कभी बेपर्दा रहेगा ही नहीं। नहीं, कुछ पेशे ऐसे हैं या कुछ खेल ऐसे हैं जहाँ पे वो उसको उसमें नहीं कर सकते, तब क्या करें? वो उनकी मजबूरी हो जाती है, और अल्लाह ताला जब हिदायत देगा तो वो भी पलट आएंगे। सारे तथ्य आपके सामने हैं, लोगों से की गई बातचीत आपके सामने है, ग्राउंड पर मैंने अपने कैमरे से क्या देखा वो आपके सामने है। अब तय आपको करना है कि आप किस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। वैसे भी साहिर लुधियानवी कह गए हैं, ले दे के फकत एक नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से। हम कैमरा सहयोगी मनीष के साथ गौरव अग्रवाल, TV9।